One of the top 10 private B schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. नंबर दो बात ये है कि प्राइसेस पेट्रोल के महंगे हो गए, आपका जो है यहां पर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट महंगी हो गई, आपके टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस महंगे हो गए, सी फ्रेट महंगा हो गया। थर्ड, ज्यादातर बायर्स आजकल बाइंग एजेंट्स के साथ काम कर रहे हैं, उनके बाइंग एजेंट्स हैं यहां और वो इतने स्मार्ट हैं, जैसे ही डॉलर में फ्लक्चुएशन आता है, आजकल तो वर्ल्ड वाइड पता लगता है, आज से 10 साल पहले 15 साल पहले ये सब चीजें नहीं थी जो नेट के ऊपर देख रहे हैं एंड ऑल दैट। आज हर रोज आपको एसएमएस आता है, आपको सिस्टम पे आप देखते हैं, कोई टीवी खोलो तो बायर देखता है। तो जब बायर देखता है कि 4560 रुपए, तो वो 60 रुपए से एकदम से उसको लगता है कि इंडियन एक्सपोर्टर्स आर गेटिंग 33% मोर, तो बायर इज फुली अवेयर ऑफ इट। देन द बायर स्टार्ट आस्किंग कि भी मुझे डिस्काउंट दो, एंड बायर आर डिमांडिंग डिस्काउंट इन द प्राइसेस। एंड देन देयर आर ऑल्सो पीपल Those are really very desperate in the business. जो लोग desperate होकर business करते हैं वो लोग भी market खराब करते हैं। जो desperate लोग हैं वो कहते हैं कि मुझे फायदा होगा, मैं उसको immediately share कर लूं buyer के साथ, वो buyer के साथ share भी करते हैं। इस सारे क्रम में ये हो रहा है कि जब dollar वापस आता है तो ऐसे लोग वापस flop हो जाते हैं। तो हमने इसके लिए एक यहां पर सेमिनार भी रखा है hedging के ऊपर, एक दिन आप आके सुन सकते हैं। हमने उसमें उनको बताया कि आप अपने डॉलर को हेजिंग कराइएगा और उसके हेजिंग करने के बाद आपको ये हो जाएगा कि कम से कम आप जितने पे काम कर रहे हैं वो अगले 3 महीने 6 महीने आपके प्राइसेस स्टेबल रहे, आपकी जो इनकम होने वाली है वो एक स्टेबल रहे और वो इनकम्स को आप जो है उस हिसाब से आप अपना बिजनेस बुक करें और बिजनेस को आगे एक्सपेंड करें। तो एक ये हमने सबको किया है। शेयर में दो नए फीचर्स हैं और मैं आपको प्रेरित साहब के माध्यम से, आप इसको कोट कीजिएगा, उनके माध्यम से दोनों फीचर बता रहा हूं। एक तो ये है कि फेयर ट्रेड फोरम जो है ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो हर कंट्री में उनके बॉडी सेटअप हैं, जैसे हमारी काउंसिल जैसे